सर एंड वेलकम माई रिस इंजीनियरिंग में। दोस्तों दोस्तों आज हम लोगों ने पूरा छत पे पाइप लगाए हैं, ठीक है। तो आपको बताएंगे, पूरा सर्किट बताएंगे किस तरीके से सर्किट डाला गया है, किस तरीके का स्विच बोर्ड का कनेक्शन डाला गया है और कैसे मिलाया गया है। टोटल बता देते हैं, ठीक है। 2000 स्क्वायर फीट एरिया है, उसमें हमने पाइपिंग की है। तो मैं आपको बता दूँ, एक 8 dB इंजेक्शन बॉक्स के लिए दिया गया है, ठीक है। एक 8 dB है पॉइंट और एक 8 dB है। तो यहाँ से दो फ्लैट है, एक इस साइड में फ्लैट बनता है, एक इस साइड में फ्लैट हो गया दोस्तों, एक इस साइड में फ्लैट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, इस साइड से शुरू करता हूँ दोस्तों, यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए ये छज्जा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ छज्जे में दिया गया हुआ है एक और एक फैन इस तरीके से लगाई गई है। टोटल पाइप वहाँ से वहाँ तक का कनेक्शन करते हुए ये आया हुआ है, ठीक है। इसका स्विच बोर्ड वहाँ उतरेगा और इससे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे सेम वहाँ पर भी है, वहाँ पर मिला दिया गया है। वो किचन है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूँ तो एक किचन है दोस्तों, ठीक है। ये उस एरिया था कुछ दिन तक, यहाँ से किचन बनाया गया है। किचन का स्विच बोर्ड एक इधर उतरा हुआ है, एक उस साइड उतरा हुआ है। इसका गेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है इसकी वजह से, और ये सीधा जा रहा है, सर्किट जा रहा है दोस्तों, सीधा वहाँ DB में गया है, ठीक है दोस्तों। वो हो गया हॉल का, ठीक है दोस्तों। ये हॉल है पूरा एरिया, ये हॉल का एरिया है दोस्तों, ठीक है। आप बोलिएगा जिसका मैं डायग्राम डाल दूंगा, आप डायग्राम चेक कर सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। टोटल हॉल का एरिया, ठीक है दोस्तों। ये पूरा हॉल है इस तरीके से, ये हॉल है, यहाँ से वहाँ तक का पूरा ये हॉल ही हॉल है दोस्तों। ये देखिए वो हॉल में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूँ यहाँ से कनेक्शन, देखिए इसमें क्या हुआ है। तीन फैन बॉक्स दिया गया हुआ है, बहुत बड़ा हॉल है, इसमें तीन फैन बॉक्स दिया हुआ है, एक दो और वो तीन, ठीक है। वहाँ तक है, ये देखिए एक उस साइड डाउन गिर गया है, एक उस साइड डाउन गिर गया है, और देखिए यहाँ पर डाउन नहीं गिर सकता दोस्तों, क्योंकि पूरा हॉल में आ जाता है। और ये जा रहा है हमारा मेन, यहाँ पे मेन आएगा, ये मीटर का आएगा तार। यहाँ से मेन उठ करके दो पाइप जा रहे हैं, एक जा रहे हैं उस DB में और एक जा रहे हैं इस DB में, ठीक है दोस्तों। मैं आ रहा हूँ आपको बता दूँ, एक ये आगे रूम आ रहा है, उस रूम के बारे में समझा दूँ। इस रूम में सेपरेट एक टॉयलेट है, बाथरूम है, ठीक है। तो ये टॉयलेट बाथरूम का पोर्शन है, ये टॉयलेट बाथरूम का पोर्शन है दोस्तों, और वो रूम हो गया, ठीक है। वहाँ से ऐसे कट होकर के टॉयलेट बना हुआ है यहाँ तक का बीम का, इस तरीके से है दोस्तों। ये हो गया टोटल, ये आपको समझ में आ गया कैसे कैंसिल लाइट में मिला हुआ है। यहाँ से ऐसे एक वहाँ, ठीक है दोस्तों, एक इधर से यहाँ मिला हुआ है और एक यहाँ से यहाँ मिला हुआ है, एक यहाँ से स्विच बोर्ड उतर गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से उतर गया, अगर पॉइंट वगैरह पावर वोड का चाहिए तो उसके लिए वो बालकनी है, बालकनी में दिया गया हुआ है। एक ये रूम है दोस्तों, ठीक है। डक DB में जा रहा है, इसका भी सर्किट DB में जा रहा है घूमते हुए, देख लीजिए। कैंसिल लाइट से DB में गया हुआ है, इसका भी सर्किट DB में गया हुआ है वहाँ, ठीक है। ये बना हुआ है रूम इस तरीके से सर। दोस्तों सारा कनेक्शन किया गया हुआ है इस, यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि जैसे को कैंसिल लाइट में मिलाया गया है, इस कैंसिल लाइट में मिलाया गया है, ठीक है, और उस कैंसिल लाइट में मिलाया गया है, जैसे इस कैंसिल लाइट में मिलाया गया है कि यहाँ उतारा गया है। डाउन स्लैब है जो पूरा बाथरूम के लिए बनाया गया हुआ है, ठीक है। ऐसे इस रूम में भी आ जाइए दोस्तों, इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। अब आपको टोटल चीज़ समझ में आ गया, सारे रूम का सेम जैसे इस साइड का मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही उस साइड का है। टोटल पोजीशन दोस्तों कोई अलग नहीं है, जैसा सेम सेम बना हुआ है, कुछ अलग नहीं बना हुआ है। यहाँ भी पैसे वैसा ही बना हुआ है, सेम बना हुआ है, यहाँ भी वैसा ही बना हुआ है। बस इसमें एक आ गया है, देख लें, इसमें बालकनी वही है, उस टाइप का ही बना हुआ है इधर भी, ठीक है। जैसे बना हुआ है मैं आपको बता दूँ, जैसे उस अलमारी निकला हुआ है उस साइड में भी अलमारी निकला हुआ है उस साइड में दोस्तों, ठीक है। ये उतारा गया है पॉइंट के लिए और यहाँ से यहाँ तक का सीधा ये सर्किट आ गया DB में। यहाँ पे लिफ्ट का बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। वो आ गया आपका किचन का, ये आ गया बड़ा सा हॉल, एक दो और तीन फैन बॉक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो गया ये किचन है दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक का किचन बनाया गया हुआ है, ठीक है। कोने पे एक किचन दिया गया हुआ है, किचन है दोस्तों। ये हो गया एरिया पैसेज का, मतलब बालकनी का हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ऐसी वीडियो आपको मिलता रहेंगे।